खबर अजीतगढ़ से। आज सीकर के गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ में कैथ लैब उद्घाटन, आरएएस प्रतिभावन तथा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण व सीकर ग्रामीण में 2018 में चयनित आरएएस प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साथ ही जयपुर ग्रामीण व सीकर ग्रामीण के तमाम पत्रकारों का उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान किया गया, जिसमें मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बलदेव दास जी महाराज के कर कमलों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर करण सिंह यादव व वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर राम गोपाल यादव, श्री वीरेंद्र यादव, डॉक्टर अशोक टोकस, महेंद्र यादव प्रत्याशी बांसूर, डॉक्टर हनुमान बराला, डॉक्टर दिनेश पाल यादव, बनवारी यादव, सुनील यादव, युवा नेता श्री माधोपुर, मेघराज यादव, भरत यादव, पूरनमल गुर्जर अध्यक्ष व अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजक डॉक्टर मंगल यादव, सीईओ गीतांजलि हॉस्पिटल बलराम यादव, समाज सेवी रामकरण यादव, डॉक्टर पूरन सैनी, डॉक्टर बीनू सैनी, डॉक्टर मोनिका यादव, डॉक्टर लेखराज चौधरी व इनकी पूरी टीम गीतांजलि हॉस्पिटल में आए हुए अतिथियों का, आरएएस प्रतिभावन छात्र छात्राओं का तथा सभी पत्रकार गणों का माला व साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार किया गया। आए हुए अतिथियों ने डॉक्टर मंगल यादव की पूरी टीम गीतांजलि हॉस्पिटल की तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभी स्टाफ को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रंजन जी सर और वीरेंद्र सर बेटे हैं, सीएम साहब के बहुत नजदीकी सलाहकार हैं। उन्होंने वैसे तो खुद ने ही एक मुहिम चलाई रखी है, राइट टू हेल्थ, चिकित्सा का अधिकार, जैसे हमारा खाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, वैसे चिकित्सा का अधिकार निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार करने जा रही है। लेकिन ये एक्ट अमेंडमेंट सेंटर से होना है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं और चिकित्सा के लिए बहुत सोचते रहते हैं। जमा करा करके उसके मेंबर बनिए और फिर बेधड़क होकर के इस अस्पताल में आइए, एसएमएस अस्पताल में जाइए, कांग्रेस अस्पताल में जाइए, फोर्टिस में जाइए, जिस अस्पताल में जाकर के अपना इलाज यदि वाले में भी ऐसी इलाज की सुविधा कहीं देश भर में नहीं है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ही इसके मामले में सोचा और शायद यही उनका सोच है जो काम आया और उनके खुद के भी काम आया। ईश्वर ने जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने उनको नवजीवन प्रदान किया। आज वो सुरक्षित है, राजस्थान सारा खुश है और इस योजना को सफल बनाने के लिए आप हम सबको कल ही अपने प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही आप अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटेंगे। ये गीतांजलि टीम गीतांजलि हॉस्पिटल का आपसे कृतज्ञ निवेदन है। कृपया सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया बिल्कुल आप लोग भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आ गया मंगल जी, पत्रकार है, पत्रकार आओ आगे।